ये सचमुच बहुत काम करता है। अरे रेडी हुए हैं? दादी से खाना यहाँ वहाँ भाग भाग कर खा रहे हैं और घूम रहे हैं। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। इवनिंग स्नैक्स में ये पेरी पेरी चना है, मस्त, इसका फ्लेवर भी है और हेल्दी भी। दादी के पैर पर ये झूला झूल रहा है। आंटी को देखा? थैंक यू। एकदम पूंछ बना रहता है। अभी मम्मी उधर है तो वहाँ नहीं बैठ रहा है, यहाँ हम दोनों आए हैं, दोनों बैठे हैं, तो दोनों जन के साथ में ही आकर ये रहेगा। अभी ये झांक रहा है। बंद कर बेटा। जस्ट बिकॉज मतलब जस्ट अभी ये एग्जांपल आप छोड़ दीजिए, लेकिन एलेक्सा पा गया है खुश है। के लिए मिनी करवा का ऑर्डर दिया गया है, मम्मी ने दिया है इसका। आज श्वेता का मीटिंग खत्म हुआ तो आज फिर से बाहर से खाना मंगाया गया है, लेकिन स्टार्टर ही, क्योंकि सुबह खाना बन गया था। गोदी में ही आना रहता है, पेट पकड़ कर खींचता रहता। चिली पनीर? अच्छा फिर से वही। चलो ये लोगों के लिए नॉन वेज आता है, मेरे लिए वेज आता है। और एक्चुअली सुबह का करी चावल है। इतनी कड़ी में क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? मैं सोच रही थी कि कड़ी है तो चावल एक्स्ट्रा बनवाए हैं। चलेगा, उसी में थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे, ये भी है ना, इससे भी खा लेंगे, हो जाएगा। अभी उस चेयर को यहाँ पर धकेल कर लाया है, टीवी, ये टीवी खींच रहा था, और फिर जब नहीं खींचा गया टीवी तो वहाँ रख, इतना ही पावरफुल हो गया है। बस लेकर उधर ही रह गया 10-15 मिनट और 11:15 बजने को आया और मम्मी का बेड भी नहीं लगा। नहीं, जो पा रहा है सब खींच रहा है। पकड़, आजा आजा। बेड लगा देता हूँ, पर्स खींच कर ले जा रहा है। ये हमें दे दे ठाकुर। ये साइड में इसको ऐसा पछाड़ लेने के बाद ये आता है और इसको लेता है। इसका डायपर मंगाया गया, बहुत एक्चुअली इमरजेंसी हो गया था, डायपर का डायपर ख़त्म हो गया था, हमें लगा कि अभी डायपर बचे हुए हैं, तो जबकि बचा नहीं था, सारा डायपर ख़त्म हो गया था। ये लकड़ी ऑर्डर दिया गया था तो आ गया आज शाम को, नहीं तो फिर मेरे को जाना पड़ता लाने के लिए। अभी ये हम लोग एक बड़ा पैकेट ही मंगा लेते हैं, 60-65 आता है। मैं एवरीडे पानी ज़रूर पीता हूँ सोने से पहले, खाना खाने के बाद यानी डिनर के बाद मैं 1-1.5 घंटे का गैप रखता हूँ, 1-1.5 घंटे के बाद ही मैं पानी पीता हूँ। एक्चुअली एंजाइम्स जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है, तो खाना खाते समय भी पानी नहीं पीना चाहिए और खाना खाने के तुरंत बाद भी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 45-60 मिनट का गैप रखना चाहिए। तो मैं 1-1.5 घंटे का गैप रखता हूँ, उसके बाद सोने से पहले पी लेता हूँ। और पानी सोने से पहले पीने का भी एक फ़ायदा ये होता है, क्योंकि रात को जब आप सोते हो तो 6-7 घंटे आप नहीं पानी पीते हो, और जगने के बाद भी थोड़ा देर बाद ही पीते हो, तो मोटा मोटा 7-8 घंटे का गैप हो जाता है। इतने में आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, जो हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो ब्लड के थिकनेस को भी कम करने के लिए, यानी ब्लड के डाइल्यूशन को मेंटेन करने के लिए और हार्ट से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए पानी ज़रूर आपको रात को पीना चाहिए। ये बहुत अच्छी हैबिट है जो कि मेरी है बहुत काफ़ी समय पहले से, और जगने के तुरंत बाद भी पीता हूँ। रात को पानी को कॉपर के वेसल में रख देते हैं, 2-3 कॉपर के बॉटल है हमारे, और जो एक मग है प्लास्टिक जो स्टील के जैसा दिखता है लेकिन वो बाहर से स्टील है, अंदर से कॉपर है, तो उसमें पानी रख देते हैं। तो कॉपर का पानी सुबह गर्म करके पी लेता हूँ। गर्म पानी क्यों पीना चाहिए ये मैं आप लोगों को बताऊँगा, और कॉपर का पानी क्यों पीना चाहिए वो भी बताऊँगा आप लोगों को, क्या इसका बेनिफिट होता है, लेकिन पीना शुरू कर दो आप। अभी मैं स्टीम ले लेता हूँ, और मैं ये स्टीमर लगा कर गया था पोर्स वगैरह को ओपन करने के लिए, कफ से निजात पाने के लिए। स्टीम काफ़ी अच्छा है, डेली नहीं लेता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि लेते रहूँ। ये हमारा स्टेरिलाइजर है, इसमें बाबू का बॉटल स्टेरिलाइज किया जाता है, इसमें धूल कर रख देते हैं और मशीन लगा देते हैं, अपने आप सब स्टेरिलाइज हो जाता है। ये सचमुच बहुत काम करता है। मशीन को बंद कर देता हूँ, चेहरे पर भी पूरा आ जाता है, थोड़ा चेहरा भी क्लीन हो जाता है इससे। पानी मैंने भर कर रख दिया है उबलने के लिए, अभी श्वेता आएगी तो बंद कर देगी। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही घर में रहकर भी बहुत सारा काम होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब घर में है तो एकदम आराम से रिलैक्स बैठे हुए हैं। तो आप लोग जहाँ भी रहिए
आप लोगों के लिए बस यही दुआ है कि आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। व्यस्त रहना एक बहुत बड़ा वरदान है, इससे दिमाग का क्रिएटिविटी काम करता रहता है और आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और मस्त रहिए, कोई भी परिस्थिति हो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बाय बाय।